हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ डॉक्टर आभा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन क्लासरूम सिचुएशन, विच इज़ द पार्ट ऑफ बीएड सिलेबस ऑफ सेमेस्टर वन. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज जो टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन क्लासरूम सिचुएशन. तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट की. टू नो द मीनिंग एंड हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा क्या है. देन सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं. देन वी विल सी दैट व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को यदि समझना है तो हमें सर्वप्रथम शिक्षा क्या है यह जान लेना चाहिए. देन व्हाट इज़ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान किसे कहते हैं यह जान लेना चाहिए, तभी हम शिक्षा मनोविज्ञान को सरलता के साथ समझ सकेंगे. यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की. एजुकेशन को दो प्रकार से बताया गया है. एक पक्ष है इसका संकीर्ण, यानी कि नैरोअर सेंस ऑफ द एजुकेशन. नैरोअर सेंस ऑफ एजुकेशन, संकीर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वह शिक्षा आती है जिसे हम औपचारिक शिक्षा या फिर फॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, जो बालक को विद्यालय में प्राप्त होती है, जहाँ पे बालक को किसी डेफिनेट अमाउंट की नॉलेज को गेन करना होता है. जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू द इंस्ट्रक्शन इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. Education of the child starts as he enters the school where definite amount of knowledge is given. दूसरी तरफ जो शिक्षा है उसके व्यापक स्वरूप की बात की गई है. व्यापक स्वरूप के अंतर्गत वह शिक्षा आती है जो कि अनौपचारिक शिक्षा के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन एजुकेशन, जो कि व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती रहती है. इसमें व्यक्ति जो है अपने जीवन के प्रत्येक जीवन में होने वाले प्रत्येक अनुभवों को प्राप्त करता है, उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है. यह शिक्षा व्यक्ति को उसके परिवार, उसके समाज, उसके समूह, उसकी जो सोसाइटी है, उसका जो नेशन है, लाइब्रेरी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से वह इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करता है. जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. It is a process that goes on throughout life and is promoted by every experiences in life. यानी कि शिक्षा एक प्रक्रिया के तौर पे मानी गई है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्त जो शक्तियाँ हैं उसका सर्वोत्तम तथा अपना समस्त या फिर सर्वांगीण विकास करके अपने व्यवहार का अधिकतम परिमार्जन करता है. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, जिससे कि ड्रेवर ने दिया है. अकॉर्डिंग टू द ड्रेवर, Education is a process in which and by which the knowledge, character and behavior of the young are shaped and molded. हिंदी में यदि हम इसको देखते हैं तो यह कहा है ड्राइवर ने कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के जो ज्ञान है, चरित्र है और व्यवहार है उसको ढाला और परिवर्तित किया जाता है. अभी हमने बात की है एजुकेशन की, शिक्षा की, कि शिक्षा क्या है. अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं. जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप. यानी कि जो मनोविज्ञान है वह मानव व्यवहार और मानव के जो संबंध हैं इसका अध्ययन करता है. अकॉर्डिंग टू द क्रज, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, एंड Psychology is the scientific study of behavior in order to understand the cause and process of behavior. यानी कि यहाँ हम बात करते हैं मनोविज्ञान की. मनोविज्ञान की उपरोक्त जो परिभाषाएँ अभी हमने देखी, इसके द्वारा यह निकल के आता है कि मनोविज्ञान जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसके बिहेवियर की, उसके रिलेशनशिप की स्टडी करता है. एक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति के या प्राणियों के व्यवहार एवं जो उसकी मानसिक और दैहिक जो भी प्रक्रियाएं हैं इनका अध्ययन करता है. व्यवहार के कारणों और प्रक्रियाओं को समझने के लिए व्यवहार का जो वैज्ञानिक ढंग से एक तरीके से कहा जाए तो उसकी स्टडी करता है. अब हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है.
According to the Kolsenek, educational psychology is the application of findings and theories of psychology in the field of education. यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की जो भी findings हैं, जो भी निष्कर्ष हैं और जो भी सिद्धांत हैं उनका implementation education के field में करता है, education के क्षेत्र में करता है, ऐसा Kolsenek ने बताया है. आगे हम बात करते हैं. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिंपल कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग. जब हम मनोविज्ञान के द्वारा जो प्राप्त जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जब हम एजुकेशन की फील्ड में करते हैं तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है और प्रभावशाली हो जाती है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं और उसको उनकी स्टडी करने के उपरांत ही हम उनके अनुसार यानी कि ह्यूमन बीइंग के अनुसार ही हम उनको शिक्षा प्रदान करते हैं. यहाँ जैसे कि हमने डेफिनेशन देखी तो इससे यह निकल के आता है, जैसा हम सभी जानते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ नथिंग बट दी वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. It is an attempt to apply the knowledge of psychology to the field of education. दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान जो शैक्षिक वातावरण के संबंध में सीखने वाले के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करता है. Now, come to the conclusion. अब हम यहाँ देखते हैं कि शिक्षा क्या है. शिक्षा जो है, एजुकेशन जो बात कर रहा है वो बात करता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की, यानी कि व्यवहार के परिमार्जन की. वहीं दूसरी ओर जो साइकोलॉजी है वह बात करता है स्टडी ऑफ बिहेवियर की. यदि हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या निकल के आता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर टू मॉडिफाई इट और स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग, दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी. यानी कि जो शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है जैसा कि हम देख रहे हैं, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है जैसा कि हम देख रहे हैं. साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात करता है. मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं. और वी कैन से इट प्रोवाइड्स अ बेस टू द एजुकेशन. अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की, कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका स्कोप क्या है. स्कोप मींस द लिमिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड व्हाट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन इट. यानी कि जो किसी भी विषय का जो क्षेत्र होता है वह उसके कॉन्सेप्ट, उसके जो परिभाषाएं होती हैं, उसके जो टॉपिक या उपकरण होते हैं उन पर आधारित होता है. चूँकि यहाँ हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी यह एक अनिश्चित विषय वस्तु युक्त, अगर कहा जाए एक परिवर्तनशील विज्ञान है, इसलिए हम इसके जो क्षेत्र है इसको सीमित नहीं कर सकते हैं. चूँकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उसकी सीमाएं अनिश्चित हैं, परिवर्तनशील हैं, इसलिए इसके क्षेत्र को समझ पाना या फिर उसको निर्धारित कर पाना कठिन होता है. फिर भी इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको बताया गया है जिसके अंतर्गत हम शिक्षा मनोविज्ञान को रख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं. वो बिंदु क्या हैं यहाँ हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है द लर्नर यानी कि सीखने वाला. द सेकेंड वन इज़ द लर्निंग प्रोसेस. The next one is the learning situation and the another one is the learning experiences and the last one is the teacher. अब हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे the learner की. The total subject matter of educational psychology primarily revolves around the factor that is the learner. एक शिक्षार्थी के व्यवहार के जो व्यवहार संशोधन से पहले एक शिक्षार्थी की जो वैयक्तिक और व्यक्तिगत जो स्वरूप होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, इसको जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है. और शिक्षा मनोविज्ञान इसकी जांच जो है वो बहुत ही कुशलता के साथ करता है. यहाँ इसके समक्ष कुछ बिंदु रखे गए हैं जिनको कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है द स्टडी ऑफ चाइल्ड, हिज एटीट्यूड,
his aptitude, his intelligence, creativity and the aspect of motivation. किसी भी शिक्षार्थी को शिक्षा देने से पूर्व हमें उसके एटीट्यूड, उसकी जो अभिवृत्ति है उसको जान लेना चाहिए, उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है यह जान लेना चाहिए, सृजनात्मकता उसके अंदर कितनी है यह देख लेना चाहिए, तथा वह किस प्रकार से अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेट हो सकता है यह जान लेना चाहिए, तभी हम उसको एप्रोप्रिएट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड हम उसको पूरी कर पाएंगे. द सेकेंड थिंग इज individual differences among children. As all we know that every student has some individual differences. प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं जिनके आधार पर जिनको आधार मानकर ही हम उन्हें शिक्षित हमें करना चाहिए. इसकी जानकारी भी हमें educational psychology के द्वारा प्राप्त होती है. द नेक्स्ट इज द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक बालक का के जो विकास होता है वो अपने अपने अनुसार होता है, उनका अपना प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीरियड होता है, स्टेजेस होते हैं. इसकी जानकारी भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है. देन पर्सनैलिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्ड्स एनवायरमेंट ऑन हिज पर्सनैलिटी. व्यक्तित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है जिसको आधार मान करके ही हम किसी को शिक्षा दे सकते हैं. न केवल व्यक्तित्व बल्कि उस व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न जो भी कारक हैं इसकी जानकारी होना भी आवश्यक होता है, और यह कार्य हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा पूर्ण होता दिखता है. द नेक्स्ट वन इज द लर्निंग प्रोसेस. आफ्टर नोइंग द लर्नर educational psychology deals with the nature of learning and how it take place and comprise topics like laws, principles and theories of learning, remembering and forgetting, perceiving, concept formation, thinking and so on, and means of effective learning and so on. To make learning process flexible, educational psychology examines some aspects. What are these? Here are these points. The first one is the nature of learning and the learning material. जो nature है learning का, इसको इसकी क्या प्रकृति हो है learning की, यह जान लेना आवश्यक होता है, तभी हम proper learning process को implement कर सकते हैं. कौन से suitable learning material use हो सकते हैं, तभी हम उसको proper किसी learner को proper education दे पाएंगे. The second is how this learning should take place. आखिर इस learning, हमने nature of learning जान लिया, हमने learning material decided कर लिए, बट ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे हम लर्नर को प्रॉपर लर्निंग दे सकते हैं, यह जान लेना भी आवश्यक होता है, जो कि हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से जानकारी जिसकी मिलती है. द नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग. जो डिफरेंट थ्योरीज हैं लर्निंग की, इसके अनुसार ही हम उसके किसी भी लर्नर की लर्निंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट या फिर उसको प्रोसेस में ला सकते हैं. The next is how maximum learning can achieved in a minimum time. कम से कम समय में हम किस प्रकार से अधिक अधिगम दिला करके जो शिक्षार्थी है उसको लाभान्वित कर सकते हैं, यह कार्य हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही कर सकते हैं. यानी कि जो कम टाइम पीरियड होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं सिलेबस बहुत वाइड होता है और एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है क्योंकि हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, तो इसलिए उस डेफिनेट टाइम पीरियड में हमें मैक्सिमम लर्निंग और ऐसी लर्निंग जो कि इफ़ेक्टिव हो, ये कैसे कराई जा सकती है, यह केवल और केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी के ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकता है. एंड नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज़ द लर्निंग सिचुएशन. जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, यह पर्यावरणीय जो भी कारक होते हैं, सीखने की जो भी स्थितियां होती हैं, इन पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा जो सीखने और जो सिखाने वाले होते हैं यानी कि शिक्षक, इनके बीच में जो भी कारक आ रहे हैं इनकी जानकारी देता है. जैसे कि कुछ कारक की हम बात कर रहे हैं, जैसे क्लासरूम सिचुएशन, क्लासरूम क्लाइमेट एंड द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. जो क्लासरूम क्लाइमेट है ये अगर अप्रोप्रिएट है तभी लर्निंग इफ़ेक्टिव हो सकती है. अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक है तो भी तभी इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सकती है. अगर ऑटोक्रेटिक नेचर होगा मैनेजमेंट का तो इफ़ेक्टिव लर्निंग हो पाना बहुत ही कठिन हो पाता है. द नेक्स्ट इज टू यूज़ द मेथड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू टीच चिल्ड्रेन.
जब भी हमें बालक को शिक्षा देनी होती है तो हमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इस विधि को ध्यान में रख कर के ही शिक्षा देना चाहिए कि प्रत्येक छात्र एक जैसे नहीं हैं, प्रत्येक को एक प्रकार से शिक्षित नहीं किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज यूजिंग सच पेडागॉजीज एंड एंड्रोगॉजीज विच फैसिलिटेट द लर्निंग। हमें पेडागॉजी अप्रोप्रिएट यूज़ करनी चाहिए जिससे कि लर्निंग जो है ठीक प्रकार से हो सके। द नेक्स्ट इज व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन, इसकी जानकारी होना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, तभी हम लर्निंग सिचुएशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नाउ नॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस बाय टीचर टू लर्नर, यानी कि जो शिक्षक है, जो शिक्षार्थी है, उसे न केवल शिक्षा ही प्रदान करता है बल्कि उसकी जो भी व्यक्तिगत और व्यवसायिक जो भी व्यवसाय से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं इनका निदान करना भी शिक्षक का कार्य होता है। इसके लिए शिक्षक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान होना परमावश्यक है, तभी यह कार्य संभव हो पाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन डिसाइडिंग द काइंड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिजायरेबल एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, सो दैट दीज एक्सपीरियंसेस कैन बी एक्वायर्ड विद अ ग्रेट ईज एंड सेटिस्फैक्शन, तभी हम उसको अधिक सहजता के साथ और संतुष्टि के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इन दिस एरिया एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ द सब्जेक्ट मैटर विच फैसिलिटेट्स द सेलेक्शन ऑफ डिज़ायरेबल एक्सपीरियंसेस फॉर द लर्नर, यानी कि कौन सी जो डिज़ायरेबल उनकी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो सकती हैं इसका प्रॉपर सेलेक्शन हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द टीचर। लास्ट बट Not the least is the teacher. It emphasizes the need of knowing the self for a teacher to play his role properly in the process of education. यह शिक्षा की प्रक्रिया में अपनी भूमिका को ठीक से निभाने के लिए, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शिक्षा प्रक्रिया में जो शिक्षक है उसकी भूमिका को ठीक से निभाने के लिए शिक्षक को स्वयं को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान इस कार्य पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। शिक्षक को उन विशेषताओं को समझना और पहचानना चाहिए जो प्रत्येक बालक को अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखने में मदद करने में सहायक होती है, इसलिए यह आवश्यक होता है कि जो शिक्षक है वह बालक के विकास और विकास की जो विभिन्न प्रक्रिया होती है उसको जाने। यह तभी संभव है जब उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी, यानी कि नो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नाउ हियर आर सम मोर पॉइंट्स विच कम्स अंडर स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। व्हाट आर दीज? दीज आर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी हम इफेक्टिव लर्निंग स्टूडेंट को दे सकेंगे। द सेकेंड इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, कम्स अंडर स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं इनको पढ़ाने का तरीका, इनकी जो समस्याएँ होती हैं वो सामान्य बालकों से अलग होती है, इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से हम इनकी शिक्षा की व्यवस्था उचित प्रकार से कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ज्ञान होना आवश्यक होता है, तभी हम किसी की भी समस्या को दूर कर सकते हैं, या एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। द स्टडी ऑफ एक्सपेक्टेशन, प्रत्येक छात्र की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसको फुलफिल करने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इसे जानने के लिए हमें इसके स्कोप को जानना बहुत आवश्यक है। द नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। द नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, इवोल्यूशन एंड स्टैटिक्स। अगर हमें कोई विभिन्न प्रकार का बालक मिलता है उसकी, या कोई ग्रुप मिलता है, हमें उसकी स्टडी करनी है, उसको मेज़र करना है उसके किसी एस्पेक्ट को, तो उसके लिए हमें मेज़रमेंट इवोल्यूशन की जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम उसके ऊपर अप्रोप्रिएट रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे।
The next is the learning experiences. Now next, the teacher human behavior and the learner behavior. हमें टीचर के बिहेवियर को, जो ह्यूमन बिहेवियर है और लर्नर बिहेवियर है, इसकी जानकारी होना आवश्यक हो जाता है. द हेरिडिटी करेक्टर, द बिहेवियर डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, द इन्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द लर्निंग इन्वायरमेंट. न केवल सोसाइटी का इन्वायरमेंट बल्कि लर्निंग इन्वायरमेंट का ज्ञान होना भी ज़रूरी है. द नेक्स्ट इज़ द चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर इन लर्निंग. जैसा कि हम जानते हैं, जब शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करता है उस समय उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन सा दिख पड़ता है. इसकी जानकारी भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा प्राप्त हो सकती है. द नेक्स्ट इज़ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, द सोशोलॉजिकल कंडीशन. जो सोशोलॉजिकल कंडीशन है इसकी जानकारी होना भी आवश्यक होता है. The next is the individual differences in intelligence, not in a personality itself, but also in intelligence. जो बुद्धि लब्धि है प्रत्येक छात्र की अपनी अपनी होती है, इसके अनुरूप ही हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं. Then cognitive development, then motivation and learning process, जो भी अभिप्रेरणा के कारक हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किसको हम किस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं. The next is the classroom management, द टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन इन क्लासरूम सिचुएशन, कि कैसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को क्लासरूम सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसे हमने तीन प्रकार से विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले आता है फॉर टीचर्स, कि शिक्षक किस प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन क्लासरूम में कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विकासात्मक विशेषताओं को समझने के लिए. जो बालक है, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है. विकास की जो प्रत्येक अवस्थाएं होती हैं, इनकी अपनी ज़रूरत और मांग होती है, और विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान के द्वारा ही शिक्षक बालक के व्यवहार में जो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है तथा कर सकता है, और शिक्षार्थियों के अनुरूप उन्हें शिक्षा, जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, उनके अनुरूप ही उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकता है. यह शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकता है. इसमें दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग. जो शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके द्वारा जो शिक्षक है वो छात्रों की आवश्यकताओं को समझता है तथा अधिगम में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका उचित प्रकार से निदान करने का प्रयास करता है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है. द नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक छात्र जो है दूसरे छात्र से भिन्न होता है, और जो शिक्षक है वो प्रतिदिन 30 से 50 छात्रों से रूबरू होता है, जिनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं. शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जो शिक्षक है वो इन भिन्नताओं को समझता है तथा उनके अनुरूप शिक्षा दे करके उनके जो भी बालक हैं, उनके अंदर छिपी हुई जो भी प्रतिभाएं हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है. शिक्षा जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसके ज्ञान द्वारा जो शिक्षक है वो इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स को समझता है, कि कौन से शिक्षण विधियों का उपयुक्त हैं जिनका हम इस्तेमाल करके जो लर्निंग है उसको अधिक सिंपल बना सकते हैं, कन्वीनियंट बना सकते हैं, उसको अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं. इसके लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा जो शिक्षक है वह उचित शिक्षण विधियों का, या फिर जो विभिन्न उपागम हैं, या जो भी जितनी भी नवीन जो प्रवृत्तियां युक्तियां हैं, इनका उपयोग करता है और अपनी जो शिक्षण कला है उसको अधिक जीवंत बनाने का प्रयास करता है. न केवल शिक्षार्थी को उसको समझाने के लिए बल्कि अपने स्वयं के जानकारी के लिए भी उसे इन शिक्षण जो विधियां हैं इनकी जानकारी होना आवश्यक हो जाता है. अगला है द नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ. स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है. यदि स्वस्थ मस्तिष्क होगा तभी शिक्षक एक अच्छी टीचिंग कर सकता है, इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकता है,
और जो शिक्षार्थी है यदि वह स्वस्थ मस्तिष्क नहीं रखता होगा तो वह अच्छे से अपनी अधिगम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। द नेक्स्ट इज द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक और पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता जो भी करिकुलम डेवलपर होते हैं को करिकुलम बनाने में मदद करता है, जिससे कि जो करिकुलम डेवलपर होते हैं वो शिक्षार्थी के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करने का प्रयास करता है जिससे कि शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। द नेक्स्ट इज टू रेंडर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। जो मार्गदर्शन और परामर्श की जो भी सेवाएं होती हैं इनको प्रदान करने का कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा संभव होता है। द नेक्स्ट इज द गाइडेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होती हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल चिल्ड्रन से डिफरेंट होती है, इसलिए इसके लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तभी वह समझ पाएगा कि जो भी अमुक जो भी विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, वह सामान्य बालकों से अलग है और इसको इस नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ हम एजुकेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसकी डिमांड और इसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल चिल्ड्रन से थोड़ी सी डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंग जाकर के ही जब हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ जाएंगे तभी एक शिक्षार्थी शिक्षक जो है शिक्षार्थी को उसके अनुरूप शिक्षा प्रदान कर सकेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर टॉट रिलेशनशिप। जो टीचर टॉट रिलेशनशिप है इसको इम्प्रूव करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि जो टीचर है उसको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो वो छात्रों के अनुरूप, उनके इंटरेस्ट के अनुरूप, उनकी पोटेंशियलिटी के अनुरूप उन्हें एजुकेट नहीं कर पाएगा। और यदि स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लर्निंग प्रोसेस से तो वो उसके और जो शिक्षक है उसके मध्य एक अच्छा संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। द नेक्स्ट इज़ द बिहेवियर स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द लर्नर। जो लर्नर है उसके जो व्यवहार है उसको समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वह किस प्रकार से एजुकेट हो सकता है, यह जानना एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। द नेक्स्ट इज़ द पर्सनैलिटी एंड द इंटेलिजेंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ द नेचर डेवलपमेंट एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। इट हेल्प्स द टीचर इन मेकिंग नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड एज वेल एज इंटेलिजेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट द नॉलेज ऑफ innate nature. As we all know, the children has some innate or inborn qualities. Educational psychology helps the teacher to modify the behavior in a positive manner. The next is measurement and evaluation of learning outcomes. इसके अंतर्गत जो जैसा कि हम जानते हैं साइकोलॉजी में बहुत से टूल्स एंड टेस्ट डेवलप हुए हैं जिसके अनुसार जो हम लर्निंग आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं, उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं और यह दे सकते हैं कि लर्नर ने किस हद तक लर्निंग को गेन किया है और कहाँ उससे कमी रह गई है ज्ञान प्राप्त करने में, या फिर ज्ञान देने वाले को कहाँ कमी रह गई है जिससे वो अपने शिक्षार्थी को पूर्णतः लाभान्वित नहीं कर पा रहे हैं। तो टेस्ट और टूल्स के माध्यम से जब हमने लर्निंग आउटकम्स को मेज़र कर लिया है तो हम उसको उसके हिसाब से आगे उसको क्या और उसकी डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुरूप उसको एजुकेट कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज हेल्प टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द नेक्स्ट इज द टीचर सेल्फ एनालिसिस।
एजुकेशनल साइकोलॉजी का यदि ज्ञान है तो शिक्षक जो है वो स्वयं की एनालिसिस भी सही तरीके से कर पाएगा कि कहीं वो अनहेल्दी कंडीशन में किसी छात्र को शिक्षा तो नहीं दे रहा है, क्योंकि यदि वो अनहेल्दी माइंड या अनहेल्दी जो मेंटल हेल्थ है उस के अनुरूप जो है शिक्षा दे रहा है तो वह शिक्षार्थी को पूर्णतः या कह सकते हैं अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से जो शिक्षक हैं वह स्वयं की भी एनालिसिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ टू अंडरस्टैंड ग्रुप डायनेमिक्स एंड ग्रुप बिहेवियर। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्लास में डिफरेंट ग्रुप्स में बन जाते हैं और सभी ग्रुप्स का अपना अपना एक बिहेवियर होता है, अपनी एक लिविंग कंडीशंस होती हैं। अगर वो अनहेल्दी हैं तो वो एक दूसरे से जो वन एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप से तालमेल नहीं बिठा पाएगा, या फिर ग्रुप्स के मेंबर्स आपस में एक प्रकार उचित प्रकार से जो उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। यहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी इस प्रकार की जो भी दिक्कतें आती हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करता है। इसके ज्ञान के द्वारा शिक्षक उनके समस्याओं को दूर कर सकता है। द नेक्स्ट इज़ टू कंडक्ट रिसर्चेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मानव का व्यवहार है वह नित्य प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका जो स्कोप है वो चेंज होता रहता है। इसलिए इसमें होने वाली जो भी रिसर्चेस हैं उनकी जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको रिसीव करना चाहिए, ना केवल रिसीव करना चाहिए बल्कि हमें यदि कोई समस्या लगती है, हमारे समक्ष इस प्रकार का कोई उदाहरण आता है तो उस पर रिसर्च की भी जा सकती है। साथ ही साथ अक्सर यह देखा गया है कि कक्षा में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं या तो शिक्षक की तरफ से या फिर छात्रों की तरफ से, जिसकी वजह से ना तो शिक्षक जो है अपने उद्देश्यों को पूरी तरीके से पूर्ण कर पाता है और ना ही जो शिक्षार्थी है वह जो शिक्षार्थी है वह अपने अधिगम को पूर्णतः प्राप्त कर पाता है। तो इसके लिए जो शिक्षक है वह अपनी क्लास में एक एक्शन रिसर्च को भी कंडक्ट करा सकता है, जिससे कि वह इमीडिएट इस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करे। कम फॉर द क्लासरूम सिचुएशन, कि क्लासरूम सिचुएशन में किस प्रकार से एजुकेशन साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है द नेचर ऑफ द क्लासरूम। एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा जो शिक्षक है न केवल क्लासरूम के एनवायरनमेंट को उसके नेचर को जानने का प्रयास करता है बल्कि इस क्लासरूम में रहने वाले जो प्रत्येक सदस्य हैं, जो भी प्रत्येक छात्र हैं, इनके व्यवहार को भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज द नीड ऑफ reinforcement। जो reinforcement है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसको जानना एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। क्लासरूम सिचुएशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि काम करता है। इसके माध्यम से जो या फिर यूँ कहें इसके ज्ञान के द्वारा जो है कब और किस प्रकार से छात्र को मोटिवेट करना है इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। द नेक्स्ट इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। It gives opportunity to the teacher to know about those factors which can improve or obstruct teaching learning activities, especially in the classroom situation। जो classroom situation में आने वाले जो भी obstructs हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनको जानने का प्रयास करता है शिक्षक एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से, साथ ही साथ उनको किस प्रकार से और बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। द नेक्स्ट इज़ द एक्विंट टीचर अबाउट द लर्नर। जो शिक्षार्थी है इसके बारे में शिक्षक को परिचित कराने का कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है। द नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। जो विभिन्न निर्देशात्मक जो भी रणनीतियां हैं इनके उपयोग करने का प्रयास जो है वो शिक्षक करता है, जो जिसको शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा ही संभव किया जा सकता है कि कहाँ पे हमें किस प्रकार के इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैं, कहाँ किन का उपयोग करना है,
किस प्रकार से उपयोग करना है इसकी जानकारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से हो जाती है, क्योंकि जब हम शिक्षार्थी को शिक्षित कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो भी हम उद्देश्य लेकर के कक्षा में जा रहे हैं वह सभी पूर्ण होने चाहिए, तथा साथ ही साथ जो भी शिक्षार्थी हैं वो इस शिक्षा से लाभान्वित हो सकें, तभी हमारा उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम विभिन्न प्रकार की जो निर्देशात्मक जो भी रणनीतियाँ हैं, जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैं, इनका उपयोग करते हैं और अपने कंटेंट को सिंप्लीफाई करने का पूरा प्रयास करते हैं। द नेक्स्ट इज इक्विप विद बिहेवियरल प्रॉब्लम, व्यवहार की जो भी समस्याएं हैं इनको जानने का प्रयास करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं प्रत्येक के व्यक्ति का अपना अपना एक व्यवहार होता है, इस व्यवहार की जो भी समस्याएं हैं इनको दूर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द फीडबैक ऑफ द चिल्ड्रेन, जो फीडबैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन द लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन में फीडबैक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी फीडबैक के माध्यम से एक शिक्षक अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, साथ ही साथ हम इससे न केवल शिक्षक के बारे में बल्कि जो शिक्षार्थी है इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। नाउ कम फॉर द प्रैक्टिकल एजुकेशन। प्रैक्टिकल एजुकेशन क्या है, जिसमें सबसे पहला आता है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, अपने कंटेंट को बहुत ही ईजी बनाने के लिए, जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव हो सके, क्लास इंटरेक्टिव हो सके, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे किस प्रकार की डिमांड है, किस प्रकार के एड की आवश्यकता है, इसकी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकती है, तथा हम अपने कंटेंट को बहुत ही प्रैक्टिकली छात्रों को सिखा सकेंगे। द नेक्स्ट इज़ द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑटोक्रेटिक नेचर होगा तो ना तो टीचर ना ही स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से बता पाएंगे। और साथ ही साथ यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेचर का रखते हैं, जिसमें पार्टिसिपेशन की पूर्ण छूट होती है, शिक्षक और शिक्षार्थी जो है एक दूसरे से एक तरीके से डेमोक्रेटिक नेचर में अपनी प्रॉब्लम्स को कह सकते हैं, अगर शिक्षक को छात्र से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या उसको समझाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो एक प्रेशर वाली स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं होता है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो छात्र हैं वो अपनी समस्याओं को निश्चिंत तौर पे अपने शिक्षक से कह सकते हैं, तथा शिक्षक, प्रशासक और जो स्टूडेंट हैं वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ द टाइम टेबल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्कूल एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन में, टाइम टेबल। टाइम टेबल का जब निर्माण किया जाता है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रारंभ में कठिन विषयों को रखा जाता है, जब विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है सुबह के समय, अगर विद्यालय चल रहा है तो उस समय कठिन विषयों को रखा जाता है, क्योंकि जो माइंड होता है वो उसमें फटीग नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की थकान नहीं होती, एक फ्रेश माइंड के साथ स्टूडेंट अपने स्कूल में जाता है, तो उस समय जो उसको कठिन विषयों की जानकारी दी जाती है, उसका ज्ञान कराया जाता है। और जैसे ही जैसे कालांश बढ़ता जाता है उसमें जो डिफ़िकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट है उसको कम किया जाता है, शुरुआत में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और बाद में धीरे धीरे जो डिफ़िकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट है उसको रिड्यूस किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प ली जाती है। द नेक्स्ट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के समय में हम किसी भी स्टूडेंट को फिजिकली पनिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडिसिप्लिन क्लास में होता है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक तरीके से हम माध्यम बना सकते हैं। इस प्रकार के स्टूडेंट्स जो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं उनको इस प्रकार से हमें कार्य देना चाहिए, साइकोलॉजिकली डील करना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर सके। द नेक्स्ट इज़ द को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी छात्र हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराया जाता है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो द टीचर गिव्स इम्पोर्टेंस टू द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द
child's personality by involving him or her in different curricular or co-curricular activities. Now, production of textbook, जो textbook का production होता है, इसको बनाने का कार्य होता है, इसमें भी educational psychology की मदद ली जाती है. इसमें ऐसे कंटेंट को रखा जाता है जो कि छात्रों को समझ में आए, उसका इलस्ट्रेशन इस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए बहुत से इलस्ट्रेशंस रखे भी जाते हैं. और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी टेक्स्ट बुक बनाया जाए वह जो जितने भी डोमेन्स हैं एजुकेशन के उनको कवर अप करें, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और नेसेसरी फॉर द होलसम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. नाउ कम फॉर द समरी. अब हम देखेंगे कि आज हमने जो एजुकेशनल साइकोलॉजी टॉपिक लेकर के जो हम चले हैं इसमें किन किन बातों को कवर अप किया है. इसमें सबसे पहले हमने बात की थी कॉन्सेप्ट की कि शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट क्या है, देन स्कोप, देन इट्स इम्प्लीकेशन इन क्लासरूम सिचुएशन. नाउ एट द एंड वी सम अप दिस टॉपिक विद दिस डेफिनेशन. Educational psychology is an attempt to apply the knowledge of psychology to the field of education. It consists of the application of psychological principles and techniques to human behavior in education. यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के ज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का एक प्रयास है. इसमें शिक्षा में जो मानव व्यवहार के जो मनोवैज्ञानिक जितने भी सिद्धांत हैं और जितनी भी तकनीक हैं उनका अनुप्रयोग करता है. ओवरऑल वी कैन से एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सेटिंग. दिस मीन्स दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग और ह्यूमन पर्सनैलिटी, हिज ग्रोथ, development, guidance under the social process of education. In other words, we can say educational psychology gives information about the processes that involves in learning, organization, remembering, thinking for problem solving and becoming creative, and also gives both strategic and practical description and illustration to make teaching easier. That's all. This is for today. Thank you.